जी गुड इवनिंग एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, खैर आबाद रखे। तो जनाब आज की वीडियो हम जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये तो अच्छी खबर है हमारे पास, खुदा का शुक्र है कि मुर्गी अंडे पे आ चुकी है। तो जनाब थैंक्स गॉड एगलिंग है स्टार्ट। तो ये जनाब शान साहब अंडों को पकड़ के हाथ में खड़े हैं। तो ये माशाल्लाह अंडे का साइज़ है, ये स्टार्टर अंडा है मगर नॉट बैड। ये भी कोई 30 से 32 ग्राम का अंडा है, तो 42 ग्राम का अंडा जो है वो फुल साइज अंडा होता है। नॉर्मली लोग कहते हैं जी कि नहीं अभी छोटा अंडा, जो 42 ग्राम्स का अंडा होता है वो जनाब फुल साइज अंडा होता है क्योंकि वो हैचबिलिटी के काबिल होता है, उसमें से बच्चा निकल सकता है। बाकी जितने वेंडर्स होते हैं ये फेक बातें करते हैं। ये माशाल्लाह देखें टोकरियों में, अगर आप ये टोकरियाँ हैं इस बार टोकरियों का भी सस्ता काम किया हुआ है हमने कि क्रेट्स लगाए हुए हैं। तो अंडे पे बात करें तो ये लोग मोस्टली फेक बात करते हैं जी, अंडा छोटा है, ये है वजह है, खाना मसला है, ये मसला है। तो अंडा जो 42 ग्राम्स का होता है वो प्रॉपर फुल साइज अंडा होता है, उसमें से बच्चा तंदुरुस्त निकल सकता है। जो अंडा हैचबिलिटी के काबिल है उसका मतलब फुल ग्राम अंडा है। तो 45 ग्राम का अंडा तो बहुत अच्छे साइज़ का होता है मगर अभी हमारा अंडा जो है वो मुर्गियों का ये आ रहा है कोई 30-32 ग्राम का, 28 का भी आता है, 30 का भी। तो और ये कोई तकरीबन 10 दिन की बात है अंडे बिल्कुल साइज़ में ठीक हो जाएंगे। अभी जो मसला आ रहा है, अभी तो जो एक साल वाली मुर्गी अंडा दे रही होती है ना दूसरे साल में, इस महीने में अगस्त में नाजरीन तो वो भी अंडा कम कर देती है क्योंकि गर्मी बहुत शदीद पे होती है। इसमें टेम्परेचर तो कोई नहीं होता, ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी में जानवर को बहुत मसला होता है, जैसे हमें होता है ऐसे इनको होता है। सिर्फ पानी पीने के अलावा कुछ नहीं करता, फीड बहुत कम करते हैं। फीड खाएंगे तो अंडे निकलेंगे, जब फीड नहीं खाएंगे तो अंडे कैसे आएंगे। माशाल्लाह मुर्गी आप देख रहे हैं, मुर्गी सारी तैयार है और बस ये अभी अंडे जो हमारे पास आ रहे हैं, अंडे हमारे पास को 10 दिन हो गए स्टार्ट हो चुके हैं मगर वो बिल्कुल ही छोटे थे इसलिए हमने कोई वीडियो बना के आपके साथ शेयर नहीं की। तो अब आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं ये वीडियो। तो माशाल्लाह खुदा का शुक्र है मुर्गी पूरी साइज़ में अपने और अंडे भी पूरे साइज़ में आएंगे इंशाल्लाह। ये 10 दिन में ये 10 ख़त्म हो जाएगा 10-20 दिन में, तो अंडे एकदम से स्टार्ट हो जाएंगे। अभी जो अंडों का साइज़ और जो क्वान्टिटी आ रही है वो 300 के करीब आ रही है और ये डेली की नाजिम भरती जाती है। ये देखें अभी का टेम्परेचर भी आपको दिखाते चले, अगर कैमरे मेरे में आ जाए तो ये देखें टेम्परेचर गेज लगी हुई है। ये देखिए अंदर का टेम्परेचर जा रहा है 32 और ह्यूमिडिटी देखने कितनी जा रही है 14। तो ये लेवल बहुत ना ह्यूमिडिटी का ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही ये मौसम में बेहतरी आ जाएगी जानवर बेहतर हो जाएगा और चीज़ें बेहतरी की तरफ माइल हो जाएंगी और अंडे एकदम से बूस्ट हो जाएंगे। अभी हमारे पास कोई 4000+ 4500 जानवर है तो इसके तकरीबन ही तकरीबन 70% प्रोडक्शन पर भी ये मुर्गी जाए तो ये तकरीबन आप देख लें तो मतलब 3000 अंडा इसका पर डे होना चाहिए। तो इंशाल्लाह इस प्रोडक्शन पे पहुंच जाएगी। उधर आपको मेल सेक्शन नज़र आ रहा है खाली है वो, तो उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि उसका क्या सीन चल रहा है, कैसे है, वो खाली हो चुका है, मेल चिक्स बिक चुके हैं सारे। अब हम अंडे बेचने के प्लान में, अभी अंडर्स की ट्रेज आ चुकी हैं और अंडे आ रहे हैं माशाल्लाह। ये दूसरा सेक्शन आपको उधर से नज़र आ रहा है, उधर भी मुर्गी मुर्गी है सारी। तो खुदा इनकी तंदुरुस्ती और सेहत दे, बाकी ये बिज़नेस सारा जो अल्लाह पर डिपेंड करता है। अगर आपका खुदा साथ दे रहा है तो हमारे पॉसिबली पॉसिबल है, अंडे माशाल्लाह आ जाएंगे सारे और बिज़नेस माशाल्लाह बूस्ट कर देगा। मैं आपको ज़रा दूसरे कोने से वो लास्ट सेक्शन भी दिखाता हूँ, वहाँ तक जाने की कोशिश करता हूँ। मुर्गी माशाल्लाह देखें आप, सारी की सारी मुर्गी तैयार है, बस सिर्फ गर्मी का इंतज़ार है। मुर्गी सारी तैयार है, बस गर्मी के ख़त्म होने का इंतज़ार है और अंडे जनाब बाहर आ जाएंगे सारे खुदा ने चाहा था। ये दूसरा सेक्शन है पार्ट में, मैं जा नहीं सकता तो वरना मैं आपको उधर जाके भी दिखा देता, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जाली आ गई सारी। ये दूसरा सेक्शन है, इधर भी मुर्गियाँ, अब इनको हम थोड़ा सा कम कम करेंगे क्योंकि एक पोर्शन हमारे पास फ्री हो गया तो वो चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। ये परेशान हुई हैं कि क्या हो रहा है अंदर, माशाल्लाह ये मुर्गी का साइज़ देखना माशाल्लाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। अब ज़रा इनको ये है कि किसी दिन की डिटेल क्लीनिंग भी की जाएगी ज़रा, जैसे मौसम बेहतर होगा और सारा शेड साफ़ करके फिर फ्रेश तो बिछाई जाएगी क्योंकि सर्दी का मौसम आ जाएगा। यहाँ सितंबर में ही सर्दी आ जाएगी, जैसे ही सितंबर स्टार्ट हो जाएगा यहाँ सर्दी आ जाएगी, तो उसको हमें करना पड़ेगा, सर्दी को मैनेज करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक गॉड, तो सी एवरी वन, गॉड ब्लेस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जनाब, गॉड ब्लेस एवरी वन, थैंक यू वेरी मच।